हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म जो कि 2018 में हो गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो लोग अभी भी नहीं अप्लाई कर चुके हैं या इसके लिए आप लोगों को बताऊँगा, इसका जो जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो लोग अभी भी अप्लाई नहीं किए आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेशन 2018 और 19 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 एंड 10 मोटर स्कॉलरशिप फॉर द ऑल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स। दोस्त जनरल ओबीसी एसटी एंड एससी एसटी ओबीसी एंड कैंडिडेट आर इंटरेस्ट टू फिलिंग द स्कॉलरशिप फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म एंड द कंप्लीटेड द ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फॉलोइंग नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों, एप्लीकेशन जो कि है इसका डेट शुरू होगा 16 नवंबर 2018 फॉर क्लास 9 एंड 10 एंड पोस्ट मैट्रिक जो है आपको शुरू होगा 16 नवंबर 2018 फॉर क्लास 11 एंड 12 एंड 10 मोटर जो कि अदर कोर्स जो लोग है उसके लिए भी सेम आपको डेट रहेगा 16 नवंबर 2018 से शुरू होगा और लास्ट डेट रहेगा इसका 26 नवंबर 2018। और लास्ट डेट कंप्लीटेड फॉर्म जो है 26 नवंबर 2018। लास्ट डेट सबमिट हार्ड कॉपी टू इंस्टीट्यूशन जो कि है 10 दिसंबर 2018। कोर्स अवेलेबल जो कि है ऑल उत्तर प्रदेश डोमिक क्लाइंट कैंडिडेट आर एनरोल्ड इन द सेशन 2018 to 2019 इन एनी कोर्स ऑफ क्लास 9 टू अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट और एनी ग्रेजुएट एनी आर फिल्ड द स्कॉलरशिप फॉर्म। एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे जो मिक्लिनी उत्तर प्रदेश इनरोल विद स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी पी मैट्रिक क्लास 9 पास क्लास 8 एग्जाम एंड इनरोल विद 9 क्लास 9 पी मैट्रिक क्लास 10 पास क्लास 9 एग्जाम एंड इनरोल विद 10 पास मैट्रिक 11 पास क्लास 10 एंड इनरोल इन क्लास 11 पोस्ट मैट्रिक पास क्लास 11 एंड इनरोल इन क्लास 12 does not enrolled in any undergraduate postgraduate diploma certificate examination। इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा यहाँ पे, लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन जो कि मार्कशीट मार्कशीट कास्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट बैंक पासबुक फी रिसिप्ट नंबर एनुअल नॉन रिफंडेबल अमाउंट एनरोलमेंट नंबर आधार कार्ड नंबर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज स्कैन फोटो। For renewal candidate kindly use last year registration number to log in to renewal section and to enter the fresh details। किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रेश कैंडिडेट जो है दोस्त कैंडिडेट आर इनरोल्ड इन दिस ईयर और नॉट फिल द स्कॉलरशिप फॉर्म इन द लास्ट ईयर आर रजिस्टर योर सेल्फ इन द फ्रेश कैंडिडेट। रिन्यूअल कैंडिडेट जो लोग हैं यहाँ पे दोस्त कैंडिडेट आर इनरोल्ड इन द प्रीवियस ईयर इन रिक्वायर टू रिफिल योर स्कॉलरशिप फ्रॉम इन दिस ईयर काइंडली यूज एज द रिन्यूअल कैंडिडेट काइंडली कलेक्ट एंड ऑल डॉक्यूमेंट बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। इफ यू have don't know annual non-refundable amount kindly contact the enrollment college after the complete the application process submit the form within 3 days of complete form for more details must read the following instruction aadhar card is compulsory for the scholarship एप्लीकेशन 2018 से 2019। तो इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा एप्लीकेशन के लिंक अप्लाई फॉर्म के लिंक। तो आपको ध्यान रहेगा आपको 16 नवंबर 2018 से आपको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में। इसके साथ साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके ये या आप इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर के पेज मैं नीचे दे दूँगा आप लोग वहाँ से जाके भी मेरे को पूछ सकते हैं कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों, ये था आपका उत्तर प्रदेश में जो जो स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।